सूरज ये है घई। घई उस जगह को बोलते हैं जहाँ पर भालू मिलते हैं। ये मटर है, कच्चा मटर। तो कभी भी आप ट्रैक पे जाते हो तो पहले चेक करना, अगर कभी ऐसा मिले, अगर वो नरम है तो समझ लेना कि उस एरिया में भालू रह रहे हैं। जहरीला होगा ये? ये जहरीला तो होगा। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? मैं रोहित और मैं रहता हूँ हिमाचल प्रदेश के कालका विलेज में। और आज हम क्या करने वाले हैं कि हमारे घर पे आ रखे हैं बहुत सारे गेस्ट, तो सबकी डिमांड है कि रात को बोनफायर की जाए। तो बोनफायर करने के लिए हमें जंगल में जाना पड़ता है लकड़ी लाने के लिए। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना कैसा स्ट्रगल है, कितना ट्रैक करना पड़ेगा, कैसे घने जंगल में जाना पड़ेगा। और खास बात ये है कि गेस्ट आए हैं वो भी हमारे साथ जंगल में लकड़ी लेने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। Let's go! ये है हमारी गांव की पहली बाइक और हम जाने वाले हैं इस पर लकड़ी लाने के लिए। मजाक कर रहा हूँ, लकड़ी लेने के लिए ना हमें यहाँ से 3 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ेगा, तो बाइक पर इम्पॉसिबल है। बाइक है सिर्फ यहाँ पे आसपास के गांव में चलाने के लिए, तो पैदल ही चलेंगे लकड़ी के लिए। चलो चलते हैं। तो जी हम चल पड़े लकड़ी लाने के लिए और हमारे साथ हैं हमारे पहले गेस्ट। हाय, आई एम यश फ्रॉम सिरसा हरियाणा। सिरसा, सिरसा वालों आप भाई कहाँ से हो? नांशु, सिरसा हरियाणा। ठीक है, ये भी सिरसा से है। चलिए अंजी भाई जी। हेलो भाई जी, क्या हाल है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कहाँ चल रही है? बस हम चले गई तक। चलो लकड़ी लाने। चलो चलो। तो जी मैं तो थक गया किल्टा उठाते, जो गेस्ट आए थे अभी किल्टा उनके पास है, तो देखो कैसे वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। कैसा लग रहा है भाई साहब किल्टा उठा के? कैसा लग रहा है यश भाई? मेरी तो हालत खराब हो चुकी है। सूरज, तू हमारा एक भाई गुम हो गया, काफी देर से मिल नहीं रहा। ये हमारी सोफिया। ओए सूरज किधर है बता दे, सूरज किधर है? हमारा सूरज गुम हो गया था, वो मिल गया हमको। वो खड़ा भाई सूरज। हम पहुंच गए गाइस घई। ये है घई, पीछे का ग्राउंड। घई का है ना थोड़ा सा मैं मतलब समझाता हूँ। घई उस जगह को बोलते हैं जहाँ पर भालू मिलते हैं। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है घई का। तो इस वाले जंगल में बहुत भालू रहते हैं, तो हमें बड़ा सावधानी से लकड़ी तोड़ना पड़ेगा। यश भाई भालू का ध्यान रखियो। ठंड लग रही थी यहाँ पे बहुत है, ठंड। जैकेट नहीं लेके आए हम लोग,
और मैं ना तुम्हें यहाँ पे एक खास चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो मेरे पीछे क्या है सूरज भाई, क्या है ये? भाई ये मशरूम है, ये हार्ड मशरूम। अगर कई जगह होता है नरम, तो कभी भी आप ट्रैक पे जाते हो तो पहले चेक करना, अगर कभी ऐसा मिले अगर वो नरम है तो समझ लेना कि उस एरिया में भालू रहते हैं, ये हार्ड है इसको भालू खाते हैं। अच्छा, तो भालू तो वैसे ही रहते हैं घई है ये? हाँ मतलब अभी तो ये तो नरम है, ये तो हार्ड है, मतलब यहाँ तो नहीं है, मतलब यहाँ नहीं है। हाँ कहीं दूसरे पेड़ में ऐसा हार्ड होगा तो एरिया में भालू होता है। ओके, बालू से बच के रहना भाई। जहरीला होगा ये? ये जहरीला तो होगा, इतना नहीं मतलब कि जहरीला होगा आपका 30% नहीं। अभी मैंने ये इस पे हाथ लगाया है, अगर मैं जीप पे तो नहीं लगा रहा ना, थोड़ा तो होगा क्योंकि हमने भी ट्राई नहीं किया है। इसको बोलते हैं हमारे जो बड़े, वो कहते हैं कि इसको नहीं खाना चाहिए, इसको खा के मतलब की डेथ हो जाती है। हमारी लकड़ी इकट्ठी हो चुकी। अरे भाई कितनी डालोगे? पूरी करेंगे, आपके पास रेट थोड़ा आपका करेंगे कम इसको आगे। गैस करो कितना वेट होगा इसका? अरे यार ऊपर तक भरी हुई है ये तो। तुझे लकड़ियाँ उठा ली है, मुझे इसका वजन लग रहा है कम से कम 30 किलो वेट है इसका भाई। अब ये लेके जाऊँगा मैं नीचे, तो ऐसे ऐसे रास्ते हैं। ये बहुत भारी लकड़ है यार, ये कहाँ से उठा रखा है भाई ने। चलो चलो चलते हैं।